हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म. हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो बच्चों, आज की क्लास में हम टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं और टूल्स के पार्ट में वी आर स्टार्टिंग विद द माइक्रोस्कोपी. ओके, सो माइक्रोस्कोपी के अंदर आज की क्लास में हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द लाइट माइक्रोस्कोपी. चलो बच्चों, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम प्रॉपरली ऑडिबल? वीडियो एंड ऑडियो सब सिंक्रोनाइज्ड है प्रॉपर तरीके से? आपको सबको क्लियर वॉइस आ रही है? क्लियर रह रहा है आपको? प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे एक बार. एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो एंड वीडियो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. इट्स क्लियर राइट? एक्चुअली वो ट्राइड ताकि आपको मिल जाए एंड यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी क्लासेस दोनों जगहों में. यस, गुड इवनिंग. लिटिल बफरिंग, ओके, ये रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी. चलो बच्चों, टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन टूडेज लेक्चर्स विल बी, करेंगे आज के लेक्चर अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी, अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोपी, एंड इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको द माइक्रोस्कोपी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द, ओके, इट्स बफरिंग. ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट, इट्स बफरिंग, जस्ट गिव मी वन मिनट. वॉइस सही से नहीं आ रही, नो वरीज, जस्ट वन मिनट. ओके, वॉइस इज नॉट ऑडिबल. ओके, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट. ओके, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट. वॉइस इश्यू. वॉइस इश्यू, जस्ट वन मिनट बच्चों. मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आप लोगों के पास में? वॉइस का इश्यू ज्यादा रह रहा है ना? ओके, नाउ वॉइस इज परफेक्ट. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी. वी विल कवर फॉर द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी, देन लाइट माइक्रोस्कोपी, देन वी विल कंप्लीट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो सबसे पहले अपने देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी. सो एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, ही डिस्कवर्ड अ माइक्रोस्कोप. सो यहां पर क्या रहता है कि व्हाट हैपेंड इज कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक लेंस को यूज किया था, और एक नहीं दो लेंसेज को यूज किया था, और उसके थ्रू इन्होंने इमेज को मैग्निफाई किया था. जो इमेज थी उसको इन्होंने क्या देखा था, मैग्निफाइड फॉर्म में देखा था सबसे पहली बार. सो इन 1590
1590 पहली बार दो डच साइंटिस्ट थे, स्पेक्टिकल मेकर, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा बनाने वाले थे दो, ये थे फादर एंड सन, फादर और सन थे, जिसमें थे हांस जकैरियस जैनसन, ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था 1590 के अंदर। दीज आर दी टू साइंटिस्ट, फादर एंड सन ड्यूओ, जिन्होंने पहली बार एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। सो इन्होंने क्या किया कि दो लेंसेज यूज किए थे, जिसमें लेंसेज यूज किए थे और लेंसेज के थ्रू इन्होंने देखा था कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने इमेज को मैग्निफाई किया था और पहला माइक्रोस्कोप दिया था। ये है हांस, दिस साइंटिस्ट हियर राइट हियर इज द हांस, ठीक है, वाज द हांस। नाउ सो इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। ओके, सो डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, माइक्रोस्कोप को। गुड इवनिंग एवरीवन। फिर हम बात करें कि जो सबसे पहले सेल देखा गया था वो देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, और रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था और डेड सेल देखे थे, उन्होंने कॉर्क सेल देखे थे ओक प्लांट से। जब इन्होंने देखा तो उन्होंने माइक्रोस्कोप को ही मॉडिफाई किया था, उन्होंने माइक्रोस्कोप को और ज्यादा मॉडिफाई किया और उसके बाद में उन्होंने सॉ द फर्स्ट सेल, और वो फर्स्ट सेल था एक प्लांट सेल था और वो भी था कॉर्क का सेल। सबसे पहले उन्होंने कॉर्क सेल देखा था, पर एक्चुअली इन्होंने देखा था पूरा था, पूरा जो डेड सेल देखा था, इट मींस ही सॉ ओनली सेल वॉल। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को देखा था, डेड था वो प्रॉपर, अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म डेड था, सिर्फ और सिर्फ वॉल प्रेजेंट थी, तो सिर्फ वॉल देखी थी उन्होंने। सो हुक वॉज वन ऑफ द स्मॉल हैंडफुल ऑफ साइंटिस्ट टू एम्ब्रेस द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, ही इंप्रूव्ड देम एंड यूज्ड देम टू डिस्कवर द नेचर्स हिडन डिटेल्स। लाइक व्हाट? ही डिजाइन्ड हिज ओन लाइट माइक्रोस्कोप, और उनके बाद में ही यूज्ड मल्टीपल ग्लास लेंसेज टू लाइट एंड मैग्निफाई द स्पेसिमेन। अंडर ही माइक्रोस्कोप ही सॉ अ डिफरेंट डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यस, सेल वॉल ऑफ कॉर्क। और बच्चों ये देखो, ये था माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। दिस वॉज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप विच वॉज यूज बाय रॉबर्ट हुक टू सी द सेल, फर्स्ट सेल, पहला सेल देखने के लिए रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप का यूज किया था। तो रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप सरका इन 1670, ये था इनका स्पेसिमेन होल्डर। एक्चुअली क्या है कि जो डेड सेल है, प्लांट सेल, सबसे पहले हुक ने देखा था, और बैक्टीरियल सेल, लिविंग सेल है, उसकी डिस्कवरी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को जाती है। तो ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप था पहला, वाज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें आईपीस था, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस था, इसमें फोकसिंग स्क्रू था, और इसके थ्रू इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया था। नाउ सेकेंड हम देखें, आगे हम बात करें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी की, तो ये है हमारे रॉबर्ट हुक। He was the Robert Hooke, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप को यूज किया, मॉडिफाई किया, एंड ही सॉ, ही ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल विच वॉज फ्रॉम द ओक ट्री, एंड ही ऑब्जर्व्ड a dead cork cell, एक dead cork cell को इन्होंने observe किया था। So इस dead cell को observe किया इन्होंने, Robert Hook ने। Discovery of cell किसको जाता है? Robert Hook को जाता है। Okay? Now, अब हम बात करें Antony van Leeuwenhoek की। Antony van Leeuwenhoek ने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल, और उन्होंने पहली बार देखे थे बैक्टीरिया।
इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया देखे थे. सो बैक्टीरिया आर दी लिविंग सेल्स. ही ऑब्जर्व दीज लिविंग सेल्स अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप. उन्होंने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया. और गुड इवनिंग. और ये जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, ये माइक्रोस्कोप इन्होंने इन्हीं माइक्रोस्कोप से मॉडिफाई करके बनाया. तो जब इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, तो इसके बाद में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने 50 प्लस प्रोटोटाइप्स बनाए थे. मतलब काफी बार चेंजेस किया. एक माइक्रोस्कोप बनाया, फिर उसके बाद में और मॉडिफिकेशन किए, फिर दूसरा माइक्रोस्कोप बनाया, फिर और मॉडिफिकेशन किए. ऐसे वो मॉडिफिकेशन करते गए और आखिर में उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसके थ्रू वो 200 प्लस मैग्निफिकेशन के साथ में सेल को देख पा रहे थे. तो आप सबने लैब के अंदर, आप सभी ने लैब में जरूर माइक्रोस्कोप को यूज किया होगा. तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने भी लाइट माइक्रोस्कोप ही देखा था और उन्होंने 200 प्लस मैग्निफिकेशन से देखा. 200 प्लस मैग्निफिकेशन इज अ वेरी लार्ज मैग्निफिकेशन. हम लैब में भी यूज करते हैं. जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हम 100x पर देखते थे, राइट? सही बात है बच्चों, 100x पे देखा होगा आप सभी ने. जब कभी भी हम देखते हैं तो 100x पर देखते हैं जनरली. और एक्चुअल में ल्यूवेनहॉक ने उस समय पर 200 प्लस एक्स का मैग्निफिकेशन ऑब्टेन कर लिया था, खुद ने ही मॉडिफाई करके माइक्रोस्कोप्स को. और इनका जो माइक्रोस्कोप का, यस दिस इज द फॉर्म, देखो ये माइक्रोस्कोप का फॉर्म है. ऐसे ऑब्जेक्ट लेंस एकदम आंखों के अंदर लगा के इन्होंने ऑब्जर्व किया था. देखो बच्चों, मेन स्क्रू, ब्रैकेट, स्पेसिमेन पिन, ये इस तरीके का माइक्रोस्कोप था. ठीक है, इसको ऐसे देखा था ल्यूवेनहॉक ने, है ना. इन्होंने इस तरीके से ऑब्जर्व किया था. दिस इज हिज माइक्रोस्कोप ओनली, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था. ये वही माइक्रोस्कोप है. सो अब इनका माइक्रोस्कोप को हम देखें. तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इस माइक्रोस्कोप को बनाया था. ये माइक्रोस्कोप था इनका. एक सिंगल लेंस बनाया, सैंडविच किया दो ब्रास प्लेट्स के अंदर, और एक स्क्रू थ्रेड था जिससे इन्होंने एडजस्टमेंट किया स्पेसिमेन का अलग अलग फील्ड व्यू से. ठीक है, तो यहां पर स्पेसिमेन होल्डर है, ये स्पेसिमेन को होल्ड किया. और उसके बाद में फोकस एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने ये लिया, फोकस एडजस्टमेंट किया, और इन्होंने ये माइक्रोस्कोप बुलाया. महान लोग, बिल्कुल महान लोग थे. तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बिल्ड किए थे 500 प्लस सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, 500 से ज्यादा सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया. और इन्होंने मैग्निफिकेशन दे दिया था 270 टाइम्स का, 270x प्लस का मैग्निफिकेशन इन्होंने ऑब्जर्व किया. और इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ह्यूमन ब्लड सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, इन सबको डिस्कवर किया था. आज के स्टैंडर्ड से हम देखें तो ल्यूवेनहॉक के माइक्रोस्कोप को एक ग्लोरिफाइड मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हम देख सकते हैं. यस वही तो, उनके पास में कुछ नहीं था, खुद से बना के उन्होंने ऑब्जर्व किया. आज हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखते हैं. सो हम आज की क्लास में बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की, जो कि आज की फॉर्म में प्रेजेंट है. ये माइक्रोस्कोप हमारी लैब्स में मिलता है ना, हमारे लैब्स में मिलता है, इन द सेंस कि हमें लैब्स में दिया जाता है ताकि हम ऑब्जर्व कर सके, मैग्निफिकेशन कर सके, सेल्स को देख सके मैग्निफाइंग फॉर्म के अंदर, लार्ज फॉर्म के अंदर. तो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले तो इसके अंदर लाइट इल्यूमिनेट करती है स्पेसिमेन को बिलो से नीचे से. मतलब आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा, ठीक है, दिस इज द लाइट. लाइट यहां से आ रही है और यहां से ऊपर जा रही है लाइट. ठीक है, तो सबसे पहले लाइट है वो इल्यूमिनेट करती है स्पेसिमेन को नीचे से. ठीक है, लाइट इल्यूमिनेट करती है. एंड इस लाइट जो इल्यूमिनेट करती है, इसके बाद में लाइट इस ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पास होती है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर के सर्कल के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है. इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं. हम मैग्निफिकेशन देखते हैं, कोई 40x होता है, कोई 60x होता है, 10x होता है, 100x भी होता है ना. तो इस तरीके से क्या रहता है कि लाइट पास होती है सबसे पहले तो, फिर ऑब्जेक्ट लेंस पे जाती है. ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेंस के बाद में जाने के बाद में लाइट पास होती है थ्रू द ट्यूब एंड ऑक्यूलर लेंस. ऑक्यूलर लेंस कौन सा, आई पीस जो होता है. दिस इज द ऑक्यूलर लेंस.
अब लाइट पास होगी ट्यूब से, दिस इज द ट्यूब, एंड ट्यूब से थ्रू जाकर के वो जाती है ऑक्यूलर लेंस में। तो पहले मैग्निफिकेशन ये हुआ 4x 200x मैग्निफिकेशन, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है टुवर्ड्स द आईपीस। आईपीस के ऊपर भी आप देखोगे तो एक आपको देखने को मिलेगा आईपीस के ऊपर, उसके अंदर 10x 15x 20x ऐसे करके आपको मैग्निफिकेशन दिखेगा। तो इसके थ्रू और मैग्निफाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये मैग्निफिकेशन और हमें इमेज और क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले लाइट पास हुई स्पेसिमेन के थ्रू, स्पेसिमेन के बाद में लाइट पास हुई टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट पास होती है टुवर्ड्स दी आई पीस और वी कैन से ऑक्यूलर लेंस। देन हम आंखों से, हम जब ऑब्जर्व करते हैं हमें वो इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट आया था ना राजवीर, यस फेज कॉन्ट्रास्ट भी हम पढ़ेंगे, हम सारे माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। सो ये एक माइक्रोस्कोप है, तो इस माइक्रोस्कोप में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ऑक्यूलर लेंसेज देखने को मिलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं आईपीस बोलते हैं, वी कॉल देम आईपीस। फिर उसके बाद में नोज पीस है जिसके इसके ऊपर आईपीसेस को प्लेस किया जाता है, उसको अपने नोज पीस कहते हैं। इसी के साथ में इसके अंदर ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग लेंसेज प्रेजेंट है यहां पर जो कि रोटेट हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स मतलब डिफरेंट मैग्निफिकेशन में प्रेजेंट होते हैं, कोई 10x कोई 40x कोई 60x कोई 100x। फिर उसके ऊपर स्टेज की क्लिप होती है जो कि स्टेज के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक स्टेज होता है स्टेज के ऊपर अपने स्लाइड प्लेस करते हैं, और स्टेज क्लिप्स होती है जो कि उसको उस पोजीशन पर रखने में हेल्प करती है। तो स्टेज क्लिप्स है जो कि यहां पर प्रेजेंट है, जो कि उस स्लाइड को रखने में हेल्प कर रहे हैं, तो स्टेज प्रेजेंट है। फिर देखो बच्चों लाइट सोर्स है, ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट आएगी और लाइट जाएगी टुवर्ड्स द कंडेंसर एंड डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम उस लाइट को प्रॉपर तरीके से इस स्टेज के ऊपर डालेगा जहां पर हम स्पेसिमेन डालने वाले। तो डायफ्राम आपने देखा होगा कि नीचे इस तरीके से होता है, उसको अपन पकड़ के घुमा सकते हैं ऐसे, है ना, उसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो घुमाते हैं तो उसके अंदर जो लाइट का सोर्स है वहां से जो लाइट पहुंच रही है वो बड़े से छोटी होती है। ठीक है, हम डायफ्राम को घुमा के लाइट को प्रॉपर फोकस कर सकते हैं एक पिन पॉइंट पर जो कि प्रेजेंट है, जो कि है कहां पर होना चाहिए, स्पेसिमेन पे होना चाहिए। फिर हम देखें तो एक हैंडल होता है जो कि पीछे की तरफ में, उसको अपन ऐसे पकड़ सकते हैं, हैंडल होता है। कोर्स एडजस्टमेंट, दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो एक कोर्स एडजस्टमेंट जिसके थ्रू क्या होता है कि ये स्टेज है ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाता है, तो स्टेज को ऊपर और नीचे ले जाने से फायदा क्या होगा, गुड इवनिंग एवरीवन, स्टेज को ऊपर ले जाने से नीचे ले जाने से क्या फायदा होगा, हम फोकस कर पाएंगे। तो कोर्स एडजस्टमेंट में से हैवी फोकस होता है, काफी बड़े लार्ज फॉर्म में होता है, और फाइन एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत ही फाइनली हम एडजस्ट कर पाते हैं, बहुत ही स्मॉल ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, तो देर आर टू एडजस्टमेंट, वन इज कोर्स एडजस्टमेंट, अनदर वन इज फाइन एडजस्टमेंट। इसके अलावा यहां पर लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी प्रेजेंट है, लाइट इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करने के लिए भी यहां पर प्रेजेंट। सो द सीरीज ऑफ टू लेंसेस, टू और मोर, दैट विल मैग्निफाई द इमेज एंड इंक्रीज द रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। क्या हुआ, माइक्रोस्कोपी का मतलब सीरीज ऑफ लेंस है, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, जो कि क्या करने वाले हैं, मैग्निफाई करने वाले हैं इमेज को और रिजोल्यूशन को इंक्रीज करने वाले हैं, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ओके, तो ये आपके सामने एक माइक्रोस्कोप है, ओके, और माइक्रोस्कोप के सामने आप देख सकते हो आईपीस है, लेंस है, आई लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस है, और इस तरीके से एक इमेज बनती है। तो आइए जानते हैं बच्चों इमेज कैसे बनती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हम देख चुके, तो फिर से बता देता हूं मैं अलग साइड से। ऑक्यूलर लेंस आईपीसेस है, एडजस्टमेंट होता है आईपीस भी, नोज पीस होता है जिसके ऊपर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट लेंस, ये हेड है इसको आर्म बोलते हैं, कैरिंग हैंडल। फिर ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर स्टेज क्लिप है, अपर्चर है, अपर्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड कंडेंसर। फिर इल्यूमिनेटर है, लाइट सोर्स है, यहां पर मैकेनिकल स्टेज है, यहां पे कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट,
देन स्टेज कंट्रोल्स एंड बेस, ये प्रेजेंट है। अब हम बात करें कि कैसे इमेज बनती है। देखो बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट पहुंचा है टुवर्ड्स द कंडेंसर लेंस। ओके, कंडेंसर लेंस क्या करेगा, इस लाइट को कंडेंस करेगा, ठीक है, कंडेंसर लेंस है, एकदम फोकस डाल देगा, कन्वर्ज करके ये सीधा का सीधा स्पेसिमेन के ऊपर प्लेस होगी ये लाइट, ठीक है। तो स्पेसिमेन के ऊपर क्या जाएगा, ये सीधी सीधी फोकस होगी लाइट, सारी की सारी एक कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पर आएगी जो कि होगा हमारा स्पेसिमेन, यहां पर आना जरूरी है। तो ये यहां पर पहुंच जाएगी, अब लाइट है तो लाइट तो सभी डायरेक्शन में जाएगी, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पर एक ऑक्यूलर लेंस है, ठीक है, दोनों ही लेंस है कॉन्वेक्स लेंसेस, ठीक है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का काम है रेज को कन्वर्ज करना, मींस जहां से भी रेज आ रही है उनको इस तरीके से कन्वर्ज करना। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाइट्स पड़ी, इन्होंने इसको क्या किया, कन्वर्ज करना स्टार्ट किया, और यही लाइट आगे जाकर के ऑक्यूलर लेंस पर जाएगी तो ये भी इसको कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स द आई, आंखों की तरफ। तो यहां से हमें एक बहुत ही क्लियर और मैग्निफाइड इमेज हमें देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर एंड मैग्निफाइड इमेज देखने को मिलेगी। देखो बच्चों एक बार और इस चीज को देखो, आपको अच्छे से और क्लियर होगा। सो ये है ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, और ये है हमारा आई पीस। ओके, तो ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ ये हमारे पास में सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल से लाइट्स इस तरीके से आगे गई, इसी सैंपल से एक लाइट जाएगी जो कि सेंटर से निकलेगी इसके, और ये दोनों लाइट जहां पर जाकर के मिलेगी वहां पर एक पहली इमेज बनेगी। ये इमेज इन्वर्टेड है और ये इमेज रियल है। अब जो ये इमेज बनेगी, ये देखो आप बच्चों, ये एच है और ये एच डैश है, तो ये यहां पर बन रही है क्योंकि लाइट्स जहां पर जाकर के मिलती है कन्वर्ज होकर के, तो जिस पॉइंट पर सारी बीम्स ऑफ लाइट एक पॉइंट पर जहां पर मिलेगी, उस बीम ऑफ लाइट के ऊपर उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास में, ये जो हमारे पास में स्पेसिमेन था, इसकी एक लाइट तो ये सीधी जा रही है, हर एक डायरेक्शन में जाएगी, हम एक हाइट पर देखते हैं कि इस हाइट पर पैरेलल लाइट जाएगी, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो ये इसको कन्वर्ज करेगा। इसी तरीके से एक लाइट इसके सेंटर से जा रही है तो ये भी यहां पर कन्वर्ज होते हुए जा रही है, और जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर ये मिल जाती है वहां पर एक इमेज बन जाएगी। ओके, तो हमारी एक इस इमेज को एज अ रेफरेंस लेकर के हम एक दूसरी इमेज बनाते हैं जो कि मैग्निफाइड होगी। तो ये हाइट है, ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं किधर से, इधर से आईपीस, आईपीस के इस तरफ से, तो लाइट रेज है वो इस तरफ से जाएगी, और डॉटेड लाइन है मतलब यहां पर वर्चुअल इमेज बनने वाली है। तो ये लाइन देखो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज की लाइट है, ये यहां से जा रही है इस तरफ आगे की तरफ, और इसी तरीके से इसके अंदर से जो आई पीस है उस तरफ से आई की तरफ से लाइट जो है वो इस तरीके से वर्चुअली और आगे जा रही है, और ये दोनों जहां पर कन्वर्ज हो रही है इस लेंस से, ठीक है, इस लेंस से जो कन्वर्ज हो रही है, एक तो देखो बच्चों सेंटर से जा रही है, ठीक है, और दूसरी जो है वो जा रही है एक अलग पार्ट से, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट पैरेलली जा रही है इसकी लाइट यहां पर, और इस पैरेलल फॉर्म से ही हम कन्वर्ज करते हैं हमेशा, ठीक है। एक तो हम कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, देखो बच्चों इसके अंदर भी देखो आप, ये हाइट है तो इसके पैरेलल लिया हमने और फिर इसको कन्वर्ज किया, दूसरा हमने सेंटर से लिया, तो ये हाइट है तो इसको पैरेलल लिया और पैरेलल से ये वर्चुअल इमेज बन रही है इस तरफ, और इसी तरीके से हम सेंटर से भी एक रे लेंगे, इन दोनों रे को, दोनों रेज जहां पर जाकर के कन्वर्ज होगी, ये दोनों रेज जहां जाके कन्वर्ज होगी वहां पर हमें इमेज बनी। ये इमेज है वर्चुअल, ये इमेज है इन्वर्टेड, और ये इमेज है एनलार्ज्ड। आप देखो एक एच और एच डबल डैश, देखो कितना डिफरेंस है, हालांकि इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, बट स्टिल इट इज अ वेरी मैग्निफाइड इमेज। यहां से इस तरीके से इस फॉर्म से हमें इमेज देखने को मिलती है, और आई से इस तरफ से अपने ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यहां से अपने
ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, कैसे ऑब्जर्व होता है। हम डिस्टेंस और ये फोकस एफ ओ एफ ई और ये सब नहीं ले रहे हैं, हमें बस देखना है कि इमेज कैसे बनती है। और इमेज इस तरीके से बन जाती है, दोनों लेंसेज का यूज होता है, एक ऑब्जेक्टिव का, एक आई पीस का, और उसके थ्रू हमारे पास में ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, यूजुअली उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज तो रिजोल्यूशन क्या होता है, हम सभी देखते हैं ना। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 480 पिक्सल रेजोल्यूशन पे देख रहे होंगे, कुछ 720p पे देख रहे होंगे, कुछ 1080 पिक्सल पे देख रहे होंगे। तो व्हाट इज दिस, दीज आर द रेजोल्यूशन। मूवीज भी देखते हैं ना हम 2K में, 4K में आ गया आजकल तो, है ना, 4K में रेजोल्यूशन आ गया, 4K 2K 1K, है ना। तो ये 2K होता है रेजोल्यूशन, ये 1K होता है, ओके, और 4K होता है इसी का जस्ट डबल होता है, 4K रेजोल्यूशन होता है। So, ये डिफरेंट रेजोल्यूशन है। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे अपने दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट को हम क्या करें कि अलग अलग सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको अपन बोलते हैं रेजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। जैसे कि अगर हमें दो ऑब्जेक्ट एकदम, यहां पर मैंने दो लाइन्स बनाई, आप दूर से इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि एक लाइन है, मतलब वो रेजोल्यूशन कम है उसका। अगर आप उन दोनों को सेपरेट देख पा रहे हो तो उसको अपने बोलते हैं रिजोल्यूशन। अगर इसको अपने सेपरेट देख पा रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। सो द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट एज डिफरेंट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हमने रिजोल्व करना है, कम से किसका रिजोल्यूशन हमें बढ़ाना है। तो हम स्लाइड के अंदर सेल देख रहे हैं, तो सेल के अंदर हम देखेंगे तो हमें तो एक डॉट दिखेगा, अगर हम 10x पे देख रहे हैं तो मतलब रिजोल्यूशन कम है। थोड़ा सा हम देखें तो इस डॉट के अंदर हमें कुछ और डॉट्स दिखेंगे, अगर हम 40x पे देखेंगे तो हमें रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा हमारा, हम डिवाइड कर पाएंगे, आईज तक ज्यादा लाइट पहुंचेगी, ज्यादा मैग्निफाइड होगा, ज्यादा रिजोल्यूशन होगा। फिर हम देखेंगे कि एक सेल दिख रहा है हमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब दिख रहे हैं, अगर हम 1000x पर देखें तो बेसिकली क्या करेगा, ये रिजोल्यूशन इंक्रीज कर देगा, इट विल इंक्रीज द रिजोल्यूशन पावर। Okay, so that is called as resolution. So resolving power of microscope is determined by the numerical aperture. एक numerical aperture होता है, एक aperture है, वो numerical aperture decide करता है कि कितना resolution power उसका होगा। अब क्या होता है numerical aperture? It is n sin theta. It is n sin theta. Okay, ये at the rate आ गया, इसको n sin theta कर दो। और n है यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये एक तरीके का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। सो, क्या होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, आइए जानते हैं क्या होता है साइन थीटा, ये भी देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर हुआ n साइन थीटा, ओके, और यहां पर थीटा को हमारे पास में म्यू के फॉर्म में लिया गया, तो वो भी चलेगा, बस एक एंगल ही तो है, एंगल हम समझ जाते हैं कैसा होता है। देखो बच्चों, तो यहां पर एक कोन जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, यहां पर एक कोन जैसा बन रहा है, व्हाट इज कोन, देखो ये एक कोन जैसा जो बन रहा है, इसमें जो ये ए पोर्शन है ये है बच्चों आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, ये न्यूमेरिकल अपर्चर है। अब ये कोन का साइज, ए का साइज बढ़ेगा कैसे, कैसे इंक्रीज होगा, जब हम इस म्यू को बढ़ा देंगे। इस कोन में देखो बच्चों, ये जो कोन है यहां पर देखो, तो इसका जो हाफ एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको अपन थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंक्रीज कैसे होगा, जब हम उस अपर्चर को मतलब लेंस को फोकस करते हुए, ठीक है, उसको पास में ले आएंगे, जैसे जैसे वो पास में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से साइज में इंक्रीज होगा। जब वो साइज में इस तरीके से इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये जो म्यू है या फिर हम कहें तो थीटा है, ये थीटा भी बढ़ेगा। ओके, ये थीटा बढ़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर थीटा 7 डिग्री है तो न्यूमेरिकल अपर्चर है 0.12। ओके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी साथ में मल्टीप्लाई होता है, बट उसके बाद में आंसर आ रहा है हमारे पास में 0.12। फिर अगर अपने एंगल 20 डिग्री कर दें, मतलब
एंगल 20 डिग्री कर दे तो न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाता है 0.34, और एंगल 60 डिग्री कर दे तो न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाता है 0.87। इसका मतलब इस फॉर्म में अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इंक्रीजिंग, न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज हो रहा है, और न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज होने से इसका रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इसका रिजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज एन साइन थीटा, इट डिपेंड्स ऑन इंक्रीज ऑफ द एंगल मीन्स गोइंग क्लोज टू द फिगर। जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं अपने एंगल को, और वैसे वैसे ये क्या करता है, फिगर के ज्यादा से ज्यादा क्लोज होता जाता है, पास में जाता रहता है, ठीक है। सो इंक्रीज ऑफ एंगल मीन्स गोइंग क्लोजर टू द फिगर, ठीक है, एंगल को इंक्रीज करना मतलब फिगर के क्लोज जाना हुआ, ओके, समझे बच्चों। देखो जैसे जैसे अपने फिगर के क्लोज जाते रहेंगे यहां पे, ओके, वैसे वैसे न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, राइट। नाउ देखो बच्चों, ये स्पेसिमेन प्लेन है, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव अपर्चर एंगल है, ठीक है, ये लाइट आ रही है यहां से, राइट, तो एंगल बढ़ेगा अगर अपने एक तो कंडेंसर का यूज करेंगे, उस वजह से एंगल बढ़ता है, और एंगल बढ़ने से क्या होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजोल्यूशन विल इंक्रीज। सो द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर द ऑब्जेक्ट एंड द कंडेंसर, ओके। नाउ देखो बच्चों, ये लाइट माइक्रोस्कोपी है, यहां पर एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की भी हम बात करें, सो इट इज व्हाट, इट इज द लाइट बेंडिंग एबिलिटी, लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को ही अपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर स्टेनिंग के अंदर चेंजेस आते हैं तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो स्पेसिमेन के, ये इंक्रीज होते हैं बाय द कॉन्ट्रेस्ट विद द बैकग्राउंड, ओके। सो दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आता है, पहला आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो चीज ध्यान रखोगे, विच इज योर न्यूमेरिकल अपर्चर, आपको एन दे दिया जाएगा, आपको एन दे दिया जाएगा विच इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसके बाद में आपको एंगल के साथ में मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा के साथ में। तो मैं आपको देता हूं कि आपका एन की वैल्यू है 0.5, और मैं आपको एंगल की वैल्यू देता हूं 30 डिग्री, तो कितना न्यूमेरिकल अपर्चर आएगा, कमेंट्स में करके बताओ मुझे, मुझे कमेंट्स में बताओ कितना रहेगा न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर मैं थीटा दे दूं 30 डिग्री और न्यूमेरिकल अपर्चर के अंदर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 0.5, तो क्या रहेगा बच्चों आंसर, आंसर बताओ, न्यूमेरिकल अपर्चर बताओ कितना रहने वाला है, बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, साइन 30 की वैल्यू बताओगे तभी आंसर करोगे ना पीओ, साइन 30 इज 1/2, 0.5 × 1/2 इज द आंसर, ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। चलो करेक्ट। दूसरा है रिजॉल्विंग डिस्टेंस, दिस रिजॉल्विंग डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट फॉर अ माइक्रोस्कोप टू हैव अ वेरी गुड इमेज, अच्छी इमेज बनती है, यस 0.25, वेरी गुड। अगर अच्छी इमेज बनानी है आपको तो उसके लिए हमें रिजॉल्विंग डिस्टेंस जो है वो लीस्ट रखनी पड़ती है। तो रिजॉल्विंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर, दिस इज द रिजॉल्विंग डिस्टेंस, ये रहता है आपका रिजॉल्विंग डिस्टेंस, ओके। याद रखोगे सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखोगे इसका, डिस्टेंस रिजॉल्विंग डिस्टेंस कैसे बनेगा, 0.61 लैम्डा इंटू अपॉन डिवाइड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या था, d इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन थीटा,
ये हो जाएगा आपका रिजॉल्विंग डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर क्या है, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन थीटा क्या है, एंगल है, हाफ एंगल है ये हाफ एंगल है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ है। तो ये लाइट की वेवलेंथ कम हो, तो जितना ज्यादा कम लेंथ वेवलेंथ हो उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन बनता है इससे, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू मतलब वेवलेंथ जो लाइट है वो जितनी कम हो उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन बनता है, ओके। चलो सो यहां से आपके दो क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका वो यहीं से बनेगा फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोपी, ओके यस। तो अब कुछ क्वेश्चंस करें अपने, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो बच्चों, विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर कैसे, कौन सा स्पेसिमेन के ऊपर कौन है, इनमें से कौन सा लेंस है जो लाइट को गैदर करेगा और फोकस करेगा। यस, लैम्डा शुड डिक्रीज एंड एस्ट्रॉल शुड इंक्रीज। नो 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 नो, ऑब्जेक्टिव लेंस कहां करता है, पहले देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, लाइट आई, लाइट से पहले एक लेंस था जो कि स्पेसिमेन के ऊपर सारी लाइट को कंडेंस करके डाल रहा था, फिर यहां से इसके बाद में आया था ये, तो ऑब्जेक्टिव लेंस तो, और फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस आगे जाकर के आई पीस तक जा रहा था। तो ये वाला लेंस कौन सा था बच्चों, ये लेंस कौन सा था, ये जो लाइट रेज यहां से आ रही है, ये लाइट आ रही है, इसको फोकस करके इस स्पेसिमेन तक ले गया जा रहा था, ये कौन सा था, इट वॉज कंडेंसर लेंस, इट वॉज द कंडेंसर लेंस, इट वॉज द कंडेंसर लेंस। बच्चों बताया था ना, समझाया था, देखो एक डायग्राम, ये देखो ये वाला कंडेंसर लेंस, समझ में आया, ये देखो इस डायग्राम में, इट वॉज द कंडेंसर लेंस। हाँ डिलीट कर दो ना, सही बात है, ओ कंडेंसर लेंस, ओके। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन आई टू फोकस एनी ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आईज को फोकस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बताओ आंसर बच्चों। बताओ, आंसर इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एक मिनिमम डिस्टेंस रहता है आई को किसी फोकस पर ऑब्जेक्ट होने, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर है तो मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगा, उससे पास में होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके। इट्स 25 द आई कैनॉट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोजर टू इट लेस देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अगर कम लाइट कम डिस्टेंस पर जाए तो वो लाइट को अपने फोकस नहीं कर सकते, ठीक है, 1 डिग्री या फिर उससे ज्यादा उसका एंगल रहना चाहिए। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज द फंक्शन ऑफ, रिजॉल्विंग पावर किस चीज का फंक्शन है, रिजोल्यूशन, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस सिस्टम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस सिस्टम, क्या होगा, बताओ बच्चों,
आंसर बताओ। ऑब्वियसली द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू एडजेसेंट पॉइंट्स एट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस सिस्टम। तो एन ए रेफर्स टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मल्टीप्लाइड बाय द साइन वैल्यू। वेरी गुड। द ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेंड विद, सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन हम किससे ले सकते हैं? लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज्ड, ऑब्जेक्ट विद मिनिमम न्यूमेरिकल अपर्चर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड न्यूमेरिकल अपर्चर विद द मैक्सिमम वाइड, क्या होगा? बताओ। बताओ बच्चों। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of the visible light and an objective with the maximum numerical aperture, ठीक है? So the answer रहेगा, relationship between the numerical aperture and resolution is resolution power d is equals to wavelength by 2 into numerical aperture, ठीक है? Answer will be d. Which part of the light microscope controls the intensity of light entering the viewing area? Buffering? हो जाएगा सही बच्चों। बताओ। Which part of the light microscope controls the intensity of light कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, डायफ्राम या कंडेंसर लेंस? जो आंसर करो ना, क्वेश्चन का आंसर करो ना। विच पार्ट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंट्रिंग? तो एक होता है डायफ्राम, ठीक है, इस तरीके से डायफ्राम होता है, इसको अपने एडजस्ट करते हैं ऐसे करके होता है, इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो ये अपर्चर जो है वो छोटा या बड़ा होता है। तो यहां से जो लाइट आ रही होती है ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो उससे क्या है कि उतनी ही लाइट जाती है ऊपर, किसके ऊपर? जो हमारा स्पेसिमेन है, स्लाइड है, तो होता है डायफ्राम, ठीक है। सो जब डायफ्राम होता है उसको अपने एडजस्ट करते हैं तो उससे उतनी ही लाइट अंदर पहुंचती है, ठीक है। सो डायफ्राम इज द आंसर। ये देखो बच्चों, जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हमें इस तरीके से इमेज देखने को मिलती है। ये इमेज वैसी इमेज है जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस भी दिख रहा है, हमें सेल वॉल दिख रही है और सेल दिख रहा है। अगर हमें और ज्यादा रिजोल्यूशन चाहिए तो हम और ना बड़ा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे जिसके अंदर लेंसेज और ज्यादा मैग्निफाइंग होंगे, मोर देन टू लेंसेज यूज करेंगे, और ज्यादा उसको कंडेंस करेंगे लाइट को, लाइट की बीम को, वेवलेंथ कम करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाते रहेंगे, उससे क्या होगा कि हमें इमेजेस और ज्यादा क्लियर दिखेगी और अच्छे से रिजोल्यूशन दिखेगा, ओके। सो आज हमने प्रॉपर देखा कि वॉट इज लाइट माइक्रोस्कोपी, वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी। कल की क्लास में हम माइक्रोस्कोप के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे,
इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपी ओनली, टूल्स एंड टेक्निक्स ओनली. ओके चलो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं अपने, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपी, एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेते हैं और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अच्छे से, माइक्रोस्कोप को और अच्छे से समझेंगे, दूसरे टाइप के माइक्रोस्कोप्स लेंगे, अभी जैसे लाइट माइक्रोस्कोप लिया, आगे हम फेज कॉन्ट्रास्ट भी लेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी लेंगे, डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स भी हम अब आगे कवर करने वाले हैं. ओके चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर.